4.5 साल सरकार चल चुका है, उसमें मैया समान को कोई मैया समान भैया समान को नहीं दिया। अगर हेमंत जी अच्छा काम करते तो हमको उनको लाने में किसी तरीके का ऐतराज नहीं था, लेकिन जैसा किए हैं वैसा इस बार इलेक्शन में उनको नतीजा मिल ही जाएगा। भाजपा का पूर्व बहुमत सरकार बनेगा तो बनेगा। तो अखबार नहीं देखे, फ्रंट पेज में आता है कि नियुक्ति पत्र वितरण खाली आता है लेकिन देता नहीं। युवा को क्या दिक्कत हुआ हेमंत सरकार से 5 साल में? जॉब को लेकर इशू है। किसी को जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। वो जेएमएम जो मैया सम्मान योजना लाया, ये मास्टर स्ट्रोक है, यही जितवाएगा चुनाव इस बार भी? कुछ नहीं जिताएगा। आदमी जनता इतना बेवकूफ नहीं है कि मतलब मैया सम्मान योजना वोट बैंक के लिए मना दिया। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और हम जनता के बीच पहुंचे हैं। फिलहाल हम रांची के मोराबादी इलाके में है। समझना ये है कि इस बार झारखंड के चुनाव में जनता के क्या मुद्दे रहेंगे, युवाओं की क्या समस्याएं थी जो 5 साल में हल नहीं हो पाई, इस बार वो किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रकाश कुमार। कहाँ से हैं? मोराबादी से। रांची में इस बार किसका माहौल लग रहा है और पूरे झारखंड में भी? इंडिया गठबंधन की एनडीए? एनडीए जीतेगा और क्या, एनडीए इस बार आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आप युवा हैं, 5 साल आप हेमंत सोरेन का भी सरकार देखे, उससे पहले रघुवर दास का भी सरकार देखे, क्या कमी रह गया हेमंत सोरेन का सरकार में कि आपको लग रहा है कि इस बार एनडीए आ ही जाएगा? देखिए, हेमंत सरकार तो हम तो कहेंगे घुसखोर है ना, ये घोटला करेगा सिर्फ और कुछ नहीं। और एनडीए आएगा तो कुछ विकास होगा हमारे देश के लिए, हमारा स्टेट के लिए कुछ विकास होगा, और यही बात है। मतलब हेमंत सोरेन का जो 5 साल कार्यकाल रहा उसमें बहुत घोटाला हुआ है? बहुत घोटाला हुआ, बहुत एक्सेस हो गया, जेल गया, वो तो गया ही गया, बाकी और भी इसका और भी ये किया है साइड में, वो गलत है। बाकी इसलिए इंडिया का चांस ज़्यादा बनता है कि वो आएगा। जमीन वाला मामला पे तो अभी पूरा कुछ क्लियर नहीं हो पाया। नहीं, क्लियर क्या हो, तो हो गया, जेल क्यों गया फिर? क्लियर कैसे नहीं हुआ? क्लियर हुआ तभी तो जेल गया, तभी तो जेल गया ना। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी का षड्यंत्र था तो ईडी का इस्तेमाल। बोलेगा ही, वो तो बोलेगा ही, अगर वो कोई भी पकड़ाता है, जैसे केजरीवाल पकड़ाया, वो भी यही बोला कि भैया एनडीए का जो बीजेपी का अति वो षड्यंत्र किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, वो किया इसलिए जेल गया, कोई अंधा नहीं है, क्योंकि किसी को अपना मन से कर देगा जेल में कर देगा तो। अच्छा, युवा को क्या दिक्कत हुआ हेमंत सरकार से 5 साल में? जॉब को लेकर इशू है, किसी को जो वादा किया वो पूरा नहीं किया, वो यही है इसका इशू है। इंडिया आएगी तो होगा पूरा? हाँ, होना चांस है, बिल्कुल होगा, उसका कहना। हाँ, क्या चाचा, क्या माहौल है झारखंड में? झारखंड का जो झारखंड सरकार है ना, पहले भूतपूर्व रघुवर सरकार का सरकार था, जब महिला का सम्मान सम्मान दिया था, 1 रुपया में रजिस्ट्री कर रहा था, वो रजिस्ट्री को फॉलोअप करके हेमंत ने उसको सारे फॉलोअप करके एक लायक का मैया सम्मान योजना, जो अभी से लेके भूतपूर्व में अभी 5 साल का सरकार में 4.5 साल सरकार चल चुका है, उसमें मैया सम्मान को कोई मैया सम्मान भैया सम्मान को नहीं दिया। जब उसका कार्यकाल अनुकूल हुआ तो उसको मैया और भैया को जोड़ने लगा। ये तो उससे पहले रघुवर सरकार जो था, महिला को सम्मान दिया, 1 रुपया में रजिस्ट्री कराता था और महिला को मान पूर्वक, वो रघुवर सरकार ने जो महिला को मान सम्मान दिया कि 1 रुपया में तुम्हारा जमीन रजिस्ट्री हो जाएगा। क्या लग रहा है इस बार एनडीए की इंडिया? इंडिया भाजपा का पूर्व बहुमत सरकार बनेगा तो बनेगा। भाजपा का पूर्ण बहुमत सरकार, पूर्व बहुमत से झारखंड में और रांची में? रांची से बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बनने जा रहा। नहीं नहीं, रांची से तो सीपी सिंह खड़े हैं और उधर जेएमएम से महुआ मांझी। सीपी सिंह का तो मायने ही नहीं है, बच्चा चच्चा सबका साथ सबका साथ सबका विकास, बाबूलाल बनेंगे मुख्यमंत्री फूल बहुमत के साथ में, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और वो झारखंड का कायाकल्प, ए मोराबादी का जो रोड नहीं था वही भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने इसको रघुवर दास ने नहीं नहीं नहीं
ये बाबूलाल मरांडी उस समय का बना हुआ है। हाँ। इस बार चुनाव में युवा का मुद्दा देखिए मेनली तो रोजगार से है, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए ताकि हाँ। हमारा घर द्वार बस सके, सेटल हो सके। इधर उधर आदमी कब तक भटके, जैसे हम देखिए अभी बीएड कर रहे हैं, पिछले 8 साल के बाद जो झारखंड टेट का एग्जाम है उसका फॉर्म निकला, एग्जाम इलेक्शन से पहले होने वाला था लेकिन फिर उसको पोस्टपोन कर दिया गया। और दूसरी बात कि अपीयरिंग कैंडिडेट को भरने का मौका दिया गया था, लेकिन इसमें है कि 23-25 वाले भर ही नहीं सकते। तो अपीयरिंग का मतलब समझ में इन लोगों को नहीं आता है कि सरकार को फिर से पढ़ना चाहिए कि अपीयरिंग का मतलब क्या होता है। अपीयरिंग का मतलब वहाँ पे दिया गया था कि जो भी नामांकन कर लिए हैं वो भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोलता है कि नहीं 23-25 वाले भर ही नहीं सकते हैं। तो एक तो ये तो समस्या हो गया कि हेमंत सोरेन सरकार में आप लोगों को जो परेशानी हुआ, अब मांग क्या है, किस तरह की सरकार आनी चाहिए? सरकार ऐसा हो जो पहले युवा के बारे में सोचे, यहाँ का जो भी अर्थव्यवस्था है झारखंड राज्य का इसके बारे में सोचे, क्योंकि यहाँ पे जब से हेमंत सोरेन आए हैं मतलब यहाँ का जो व्यवस्था है वो टोटली गड़बड़ हो गया है, चाहे प्रशासन व्यवस्था हो या किसी भी चीज को, जहाँ देखिए जिसको देखिए सब घुसखोरी के पीछे लगा हुआ है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि अपना दायित्व को अच्छे से निभा रहा है, सब है कि लूटने में लगे हुए हैं। तो ऐसा चाहते हैं कि सरकार ऐसा है जो पब्लिक के लिए सोचे, पब्लिक के लिए काम करे, बदलाव चाहते हैं। अच्छा। तो जो सरकार हमारे लिए काम करेगी हमको तो लाना उन्हीं को है। अगर हेमंत जी अच्छा काम करते तो हमको उनको लाने में किसी तरीके का एतराज नहीं था, लेकिन जैसा किए हैं वैसा इस बार इलेक्शन में उनको नतीजा मिल ही जाएगा। क्या सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। नाराजगी है और जेटेट को लेकर ही है। अच्छा। हाँ, युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, वैकेंसीज टाइम पे चाहिए। आप हमारा पड़ोसी राज्य को देखिए, बिहार को, वहाँ वैकेंसीज भरा पड़ा होता है, यहाँ वैकेंसी के नाम पे कुछ नहीं आता है। तो युवा को रोजगार चाहिए, और जिसको रोजगार मिलेगा, जो सरकार रोजगार देगी हम लोग उसको लेकर आएंगे। तो उम्मीद किससे है? उम्मीद बीजेपी से है। बीजेपी से है। कहाँ से है आप? हम रांची से ही हैं। तो रांची में क्या लग रहा है, टक्कर है इस बार? रांची में देखिए सीपी सिंह को हरा पाना मुश्किल है, महुआ मांझी उसको नहीं। पिछला बार तो बहुत कम मार्जिन से महुआ मांझी हारी थी, तो इस बार लोग बोल रहा है कि कड़ा टक्कर है एकदम। नहीं, कड़ा टक्कर तो नहीं है, सीपी सिंह का चांस एक तरफा है, सीपी सिंह का चांस एक तरफा बोल सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, रांची में सीपी सिंह कैसा काम किए? रांची में अगर हम काके विधानसभा की बात करें तो, अच्छा, आप काके हम काके विधानसभा से हैं, तो हमारे यहाँ इससे पहले हमारे यहाँ समरी लाल थे। हाँ, तो उनके काम से बहुत ज्यादा, तो ऐसे वो भी बीजेपी से ही थे, बहुत ज्यादा तो खुश नहीं थे, क्योंकि हमारे इलाके में रोड वोड को लेकर वो बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पाया। हाँ, तो उनका तो टिकट कट गया, उनका टिकट इसीलिए देखिए इस बार हटा दिया गया, उनको टिकट जो है वो नहीं मिला। अच्छा, एक बात बताइए, जीतू चरण राम को टिकट मिला, भाजपा के एक और नेता थे जो दावेदारी कर रहे थे, कमलेश राम, दोनों में से कौन सा नेता उधर फील्ड में दिखता था जमीनी स्तर पर? जीतू चरण राम। ऐसे तो दोनों में से तो खैर बहुत ज्यादा दोनों नहीं दिखे हैं। अच्छा। बट हाँ, टिकट जो मिला है वो सही मिला है, जीतू चरण राम मांझी को जो मिला है। क्या लग रहा है, जीतेंगे काके से? हाँ बिल्कुल, काके विधानसभा से बीजेपी की ही सीट है। क्या नाम है भैया? दशरथ कुमार। दशरथ जी कहाँ से हैं आप? रांची से। रांची से। रांची में क्या माहौल लग रहा है आपको, क्या इस बार महुआ मांझी सीपी सिंह को टक्कर दे पाएगी या फिर मामला पहले जैसा ही रह जाएगा? उम्मीद तो कम है। उम्मीद कम है। आप क्या चाहते हैं? हम तो बीजेपी को चाहते हैं। आप बीजेपी को चाहते हैं? हाँ। और झारखंड में सरकार किसका चाहते हैं? बीजेपी। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि दूसरा सरकार आया कोई काम नहीं किया इसके लिए, जो भी थोड़ा बहुत काम कोई भी करेगा तो बीजेपी करेगा और कोई नहीं करेगा। मतलब हेमंत सोरेन से एकदम भरोसा उठ गया आप लोगों का? क्या पूरा उठ गया भरोसा? आप तो युवा हैं, बोल रहे हैं कि इतना युवाओं को रोजगार दिया, कहाँ दिया, जितना बोला उतना कहाँ किया? तो अखबार नहीं देखे, फ्रंट पेज में आता है कि नियुक्ति पत्र वितरण, खाली आता है लेकिन देता नहीं। आप लोगों को तो बेरोजगारी भत्ता भी मिलना था हेमंत सोरेन की सरकार में, कुछ नहीं, ये सब खाली पूछ, ये सब कुछ नहीं देता। अभी बोल रहा है कि जेएमएम जो मैया सम्मान योजना लाया ये मास्टर स्ट्रोक है, यही जितवाएगा चुनाव इस बार भी? कुछ नहीं जिताएगा आदमी, जनता इतना बेवकूफ नहीं है कि मतलब मैया सम्मान योजना वोट बैंक के लिए मना दिया, वो कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं। वो दो चार क्या है माहौल? नहीं नहीं, बीजेपी का ही सरकार बनेगा। सरकार बीजेपी का बन रहा? बीजेपी का ही सरकार बन रहा, फुल बहुमत से बन रहा सरकार, बन जाएगा, एकदम बनेगा सरकार। कहाँ से हैं आप? हम यही रांची से हैं। रांची से, मेन टाउन से? मेन टाउन नहीं, मेरा घर हुआ चतरा, हुआ चतरा, हुआ यहाँ। वोटर कहाँ के हैं? वोटर चतरा का ही, चतरा के अंतर्गत। चतरा का में क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी निकल रहा, चतरा में भी बीजेपी निकल रहा। हाँ, बीजेपी निकल रहा। राजद का कोई माहौल नहीं? कोई राजद का माहौल नहीं, जनार्दन पासवान वहाँ से निकल रहा है।
इससे पहले तो राजद के ही विधायक थे आपके मंत्री थे, लेकिन राजद का, लेकिन इस बार जनार्दन पासवान निकल रहे हैं, इस बार जनार्दन पासवान निकल रहे हैं, माहौल चेंज हो गया है और इस बार पूरा फुल मोहम्मद से निकल रहा है सरकार। खाली दिन बीत रहा है, जॉब तो मिल नहीं रहा है। सही है भाई, सरकारी पैसे से पूरा मजा कर रहा है। ये उधार का ढूंस का भाई। पर जेएमएम वालों ने तो कहा था कि हर एक ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 देंगे। तुमको नहीं मिला? नहीं। तुमको? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in